हाजियाँ एयरपोर्ट के ऊपर, हाजियों का आज पहला जत्था जा रहा है हिंदुस्तान से हज करने के लिए, उसके इंतजाम को लेकर, उसकी सारी जो यहाँ कारकर्दगी को लेकर यहाँ एक प्रोग्राम का इनोग्रेशन किया था, इसमें मुझे भी आने का मौका मिला। और सभी हाजियों को मैं आज के दिन के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ और उनसे दुआओं के लिए अपील की, और ये उन्हें यकीन दिलाना चाहता हूँ कि अरविंद केजरीवाल सरकार ने जो इंतजाम किए हैं, किसी हाजी को कोई भी दिक्कत तकलीफ नहीं होने देंगे। दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से जितने लोग दिल्ली और NCR से हज के लिए जा रहे हैं, दिल्ली होते हुए जाएंगे, अगर उन्हें किसी किस्म की भी कोई तकलीफ परेशानी होगी तो दिल्ली हज कमेटी, दिल्ली गवर्नमेंट उनके साथ शाना बशाना खड़ी मिलेगी। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में जो काम इस बार हज कमेटी ने किया है, मैं समझता हूँ पिछले कई साल में, क्योंकि मैं खुद हज कमेटी गया, जो ट्रेनिंग का सिलसिला था, वहाँ हाजियों को ट्रेनिंग देने का सिलसिला था, या और जो बाकी इंतजाम थे पहले से बहुत बेहतर थे। हिंदुस्तान के लिए, अमन अमान के लिए दुआ कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल जी के लिए भी दुआ कीजिएगा और तमाम मुल्क के लिए दुआ कीजिएगा। हमारा जो मुल्क है हिंदुस्तान, वो गंगा जमुनी तहजीब का एक मरकज है और जो पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा गहवारा है जहाँ सभी मजहब के लोग मिलजुल के रहते हैं, और जितने लोग हज करने जा रहे हैं, अल्लाह ताला सबका हज कबूल करे, सबकी दुआएं कबूल करे, साथ खैरियत के यहाँ से जाएं और साथ खैरियत के वापिस अपने घरों को वापिस लौटें।